Hi guys, welcome back to my channel. कैसे हैं आप सर? आज मैं अच्छी सी नहीं लग रही, थोड़ी है ना, थोड़ी बीमार लग रही हूँ क्योंकि मैं बीमार हूँ. हाँ, अब ठीक है, अब मैं थोड़ी कम बीमार लग रही हूँ. तो हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल. कैसे हैं आप सब? अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और गाइज बेल आइकन भी प्रेस कर देना जिससे कि आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी. तो गाइज, आज है मेरा 6th day द लौकी चैलेंज का. आज बनेगी लौकी की सब्जी शाम को, कल सुबह बनी थी, आज शाम को बनेगी, और कल का मुझे पता नहीं. तो देखते हैं अभी आज क्या बनने. तो गाइज, आज सुबह बन रहा है शाही पनीर, क्योंकि कल रात को मैंने राहुल से दाल मंगवाई थी पर वो दाल तो लाना भूल गया, वो पनीर उठा के ले आया. फिर उसने कहा कि मुझे शाही पनीर खाना है, तो इसलिए आज सुबह बनेगा शाही पनीर और लौकी की सब्जी बनेगी शाम को. तो गाइज, ये चने की दाल है और इसे मैंने सुबह भिगो दिया है. इसका इस्तेमाल होगा रात को लौकी की सब्जी के साथ, इसीलिए मैंने रात को राहुल से ये दाल मंगवाई थी, लेकिन वो नहीं लाया तो सुबह मैंने फिर पापा से मंगवाई, क्योंकि अब चैलेंज लिया तो पूरा तो करना पड़ेगा. गाइस, आज रिसीव है मुझे मेरा एक पार्सल, और देखते हैं कैसा आया है और इसमें है क्या. सबसे पहली बात तो इस पार्सल में है कि क्या मंगवाया मैंने मंत्रस. यार, टूथपिक ही टूट गई, इसी साइड से कर लेना था इससे अच्छा. तो दो जगह से टूटे हो गए इसके तो. चलो कुछ और लेके आते हैं. फिर खुलने से पहले मुझे याद आ गया है ये, और मैंने पापा से फेविक्विक मंगवा ली थी तो पहले से छुपा देते हैं ताकि फिर मैं इसे यूज़ कर सकूं रात की सब्जी के लिए, वरना फिर मुझे दिक्कत होगी बिना ट्राईपॉइंट के. शिट, सारा ही निकल गया अब तो. ये अब कैसे चिपकाऊँ मैं इसे, आधा तो चिपकना फिर भी ईजी था, अब मुझे मुश्किल होने वाली है. मुश्किल है ये पेस्ट करना, काफ़ी मुश्किल है, और मुझे लग नहीं रहा है कि ये पेस्ट होगा. इसका जैसा मटेरियल है, टेप से बांधने वाली थी, क्योंकि ये थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा है कि ये चिपकेगा. हाथ तो इतनी जल्दी चिपका देता है, ये काम की चीज़ें तो इससे चिपका ही नहीं जाती. नहीं चिपक रहा है ये, मैंने टेप लगा दिया, शायद मुझे पहले ही टेप यूज़ कर लेनी चाहिए इस फेविक्विक से. अच्छा, तो जो ये वाला पोर्शन है ना, जो ये ऊपर नीचे मूव कर रहा है, ये तो चिपका दिया. जो ये टूटा हुआ, ये नहीं चिपकाया, पता नहीं ये टूट कैसे गया. और मुझे लग रहा है ये भी टूटने वाले हैं शायद, बाकी पता नहीं. चलो अब हम ये खोलते हैं कि मैंने क्या मंगाया है, देखते हैं. बॉक्स तो बड़ा ही प्यारा है. पहले भी यूज करती थी फेसेस कैनेडा का, सस्ता भी है और अच्छा भी है. ये पुराने वाला मेरा खत्म हो गया था, तो मैंने सोचा कि इस बार मैं फेसेस कैनेडा का नहीं, मेबलिन का मंगवाती हूँ, क्योंकि इसके बहुत अच्छे फीडबैक्स हैं. इसकी रेटिंग भी बहुत अच्छी थी, मिंत्रा पे, अमेजोन पे, नायका पे, कहीं देख लो, मेबलिन के इस मस्कारा की बहुत अच्छी रेटिंग थी. इस पर मेरे पैसे वेस्ट हो गए, इससे तो ये वाला सस्ता ही है. मतलब ये बहुत बेकार था यार, मेरा ना मतलब दिल नहीं कर रहा इसको फेंकने का, क्योंकि इतने पैसे लगे हो तो ऐसे होते हैं यार कैसे फेंक दूँ, जब तक ये सूख नहीं जाएगा मैं इसे नहीं फेंकूंगी. पर ये बहुत ज़्यादा स्टिकी है, जैसे ही मैं अपने, और इस पर लिखा हुआ है वाटर प्रूफ. मैं प्याज काट रही थी, मेरी आंखों से पानी आ गया, साथ में सारा मस्कारा बह गया, घंटा वाटर प्रूफ है ये.
कुछ ही नहीं है, ऐसे ही है बस। मेरी आई लैशेज ना इतनी स्टिकी स्टिकी हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे मैंने अपने आई लैशेज पे ना फेविकोल लगा लिया। ये इतना घटिया क्वालिटी का है और 2-3 दिन तक वो स्टिकीनेस जाती ही नहीं है। इसकी वजह से ना मेरी आई लैशेज भी काफ़ी हल्की हो गई है, क्योंकि बहुत बेकार है, बाल ही निकाल देता है। और इसकी स्मेल भी बहुत अजीब सी है, मुझे नहीं अच्छा लगा ये। या तो ये मुझे मिंत्रा से फेक प्रोडक्ट मिला है, पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते, कुछ तो है, या तो ये कंटामिनेटेड है, इसमें कुछ तो गड़बड़ है। लग तो ये ओरिजिनल ही रहा है वैसे, हाँ लग तो ये ओरिजिनल ही रहा है, पर ये अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप भी मस्कारा यूज़ करना चाहते हो तो ये फेसेस कैनेडा वाला ना बहुत सही है। मैं फिर से इसी को यूज़ करने वाली हूँ वापस से, इससे तो नहीं, कभी कभी यूज़ करना होता है तो कम से कम ढंग का तो यूज़ करूँ। ये ऐसा स्टिकी स्टिकी तो 10 दिन तक आँखों से निकलता ही नहीं है, इतनी हैवी हो जाती है लैशेज, क्योंकि आजकल मुझे कहीं कहीं जाना पड़ सकता है तो इस वजह से चाहिए होता है। मस्कारा तो मेरा गो टू मेकअप है, मस्कारा और लिपस्टिक, बस। लिपस्टिक भी मैं न्यूड शेड्स ही लगाती हूँ वैसे तो, बट मस्कारा और लिपस्टिक तो मतलब इतना लगाते ही ना आपके फेस पे ग्लो लगने लग जाता है। जैसे कि मैंने लिप बाम लगाई, सुबह सुबह जब नहीं लगाई थी तो मैं कितनी बीमार सी लग रही थी, पर अब लिप बाम लगा रखे तो थोड़ा सा फेस अच्छा लग रहा है। वहीं अगर मैं आपको मस्कारा लगा के दिखाती हूँ फिर देखना डिफरेंस। लैशेस कितनी अच्छी लग रही है, तो ये देखो कितना मतलब काफ़ी डिफरेंट लग रहा है पहले से मेरा फेस। तो ऐसा हो सकता है कि मैं ये अपनी रूटीन में भी यूज़ कर लूँ, क्योंकि ये बहुत सही है, बहुत अच्छा है यूज़ करने में। तो क्या बोलते हो आप लोग, फेसेस कैनेडा के प्रोडक्ट्स आपके बजट में भी है और अच्छे भी हैं, क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छे हैं। तो मस्कारा और काजल की तो मैं फैन हूँ। तो गाइज शाम हो चुकी है और अब बारी आ गई है इस दाल को इस्तेमाल करने की। दाल लगभग फूल चुकी है तो अब मैं इसे अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। एक बार धो लिया है और ये सही फूल गई है भिगोने के बाद, मैंने सुबह की धुल थी और अभी शाम हो चुकी है। तो बनाते हैं चने की दाल के साथ घिया। मेरा ट्राइपॉड बिल्कुल ही खराब हो चुका है क्योंकि जुगाड़ के साथ भी वो काम नहीं कर रहा था। मुझे ये रेसिपी काफी अतरंगी सी है, तो गाइस अभी मुझे हॉस्टल में बना रही थी, पर मैंने रेसिपी से घिया की सब्जी बना रही हूं, वो है घिया और चने की दाल। पर मैंने कभी घिया और चने की दाल या फिर पेठा और चने की दाल नहीं खाए, क्योंकि मुझे ये कॉम्बिनेशन समझ ही नहीं आया। पर अभी ये चैलेंज की वजह से मुझे ये बनानी पड़ रही है, तो मैं आज फर्स्ट टाइम खुद मैं फर्स्ट टाइम खाने वाली हूँ ये चने की दाल के साथ घिया कैसी लगती है। तो देखते हैं कैसे बनती है। तो पहले हम इसे बॉईल करेंगे, इसमें मैंने हल्दी नमक और 1 गिलास पानी डाल दिया है। जब तक घिया और दाल पक रही है तब तक हम तड़के की तैयारियाँ कर लेते हैं। मीडियम फ्लेम पे मैं इसे 4 सीटियां मरवाऊंगी, जैसा कि मैंने वीडियो में देखा था मैं उसी हिसाब से बना रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कुछ भी गड़बड़ हो जाए, वरना घर वाला कोई खाएगा ही नहीं इसे। तो गाइस प्याज तो पक चुके हैं, अब इस पे हमें डालना है घिया और ये चने की दाल। तो हम पहले चेक कर लेते हैं कि ये पकी है कि नहीं पकी है। अगर नहीं पकी होती तो हम इसे 1 सीटी और मरवा देते, पर ये पक चुकी है तो अभी इसे हम तड़के में मिक्स कर देते हैं और 5 मिनट के लिए बनने के लिए छोड़ देते हैं। काम से तो कहते हैं कि थक हार के आया हूँ मैं, मुझे तंग मत करो। और मस्त पबजी खेल रहे हैं और मस्त एकदम, पिछले 10 दिनों से यही रूटीन चल रहा है। कपड़े भी बेड पे पड़े हैं, पहने नहीं, और आते ही पबजी, रोटी भी पबजी खेलते खेलते ही खाई है। नाइस। तो गाइस बस आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, कल मिलेंगे एक नई लौकी की सब्जी के साथ। कल का होगा हमारा लास्ट टाइम इस चैलेंज का, और कल के लिए मैंने कुछ सोचा नहीं है वैसे मैं क्या बनाऊंगी, पर देखते हैं, कल का दिन है मेरे पास सोचने के लिए। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। बाय बाय, टेक केयर।